Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the second unit of Industrial Pharmacy First, जो कि आपके third year के fifth semester का एक बहुत important subject है, जिसमें आपके second unit है tablet के बारे में. इससे पहले आप लोग pre-formulation के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आज हम बात करते हैं tablet के बारे में. Basically ये बहुत ही important topic है. Important इसलिए भी है, सिर्फ आपके semester purpose के लिए नहीं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. एंड इवन किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो आपका, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट जॉब का, इस पोर्शन से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, बिकॉज दिस इज द हाइलाइटेड पोर्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट के बारे में. बेसिकली आप सभी ने मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल टैबलेट देखी होगी. ठीक है, टैबलेट क्या होती है, आपकी एक सॉलिड फॉर्म में होती है. ठीक है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर में होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है ना. तो इस तरह से आपने बहुत सारे टैबलेट्स मार्केट में देखी होगी, उसी के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, दिस इज द फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स. तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा कि टैबलेट क्या है. तो अगर मैं आपको उसको डिफाइन करना चाहूँ सिंपली, तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सोलिड यूनिट डोजेस फॉर्म. यहाँ पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर दो वर्ड बोले हैं, फर्स्ट वन इज द सॉलिड एंड सेकंड वन इज द यूनिट. सॉलिड का मतलब होता है उसका नेचर, कि वो किस नेचर की है, आपकी सॉलिड स्टेट की है, यानी कि सॉलिड उसका नेचर है. यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो एक टैबलेट में एक ही डोज होती है, मतलब सिंगल डोज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट डोजेस फॉर्म. ठीक है, तो यूनिट इसलिए बोला जाता है बिकॉज टैबलेट कंटेन्स ओनली वन डोज. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल की 250 mg की टैबलेट है, तो उसके अंदर 250 mg होगा और वो 250 mg एक बार में ही यूज किया जाएगा. ऐसा नहीं कि आप आधे टैबलेट अब खा लोगे, आधे टैबलेट आप बाद में खा लोगे, नहीं. टैबलेट आपकी वन टाइम एडमिनिस्टर की जाती है, एक ही बार में ली जाती है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म. यहाँ पर आपकी डेफिनेशन भी लिखी है कि टैबलेट इज ए फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म. सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म कंप्राइजेस ऑफ मिक्सचर ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट. यहाँ पर क्या होता है, आपका एपीआई होता है, एपीआई मींस आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है. ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एक्सिपिएंट भी होते हैं. एक्सिपिएंट क्या होते हैं, आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका अपना खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि वो आपके डोजेस फॉर्म को शेप दे पाए, साइज दे पाए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कलर है ना, तो कलर क्या करता है, कलर का सिर्फ काम इतना है कि वो आपके टैबलेट को अच्छा दिखाता है. ठीक है, फ्लेवर है, फ्लेवर उसके टेस्ट को अच्छा कर देता है, ऑर्डर है, उसकी स्मेल को अच्छा कर देता है, उनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है. अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पैरासिटामोल टैबलेट का, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल होगा, उसके अंदर आपके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं आपके. ठीक है, जो उसको टैबलेट की शेप में आने में मदद करते हैं, टैबलेट बनने में उसको मदद करते हैं. ठीक है, तो जो पैरासिटामोल है वो आपका एपीआई है, और इस पैरासिटामोल को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं. ठीक है, इनको हम एडिटिव्स भी बोलते हैं. तो टैबलेट में आपका मिक्सचर हो सकता है, सम टाइम आपके टैबलेट ओनली बाई एपीआई हो सकती है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एपीआई हो सकता है, एक्सिपिएंट नहीं होता कभी कभी किसी केस में, लेकिन अधिकतर क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ एक्सिपिएंट एंड एपीआई. साथ ही साथ एंड प्रिपेयर बाय मोल्डिंग, ये दो तरीके से बनाई जा सकती है, या तो मोल्डिंग के द्वारा या कंप्रेशन के द्वारा. मोल्डिंग का मतलब है आप किसी मोल्ड को लीजिए, है ना, या आप कोई सांचा लीजिए. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में गुजिया बनाई जाती है, मिठाई. ठीक है, तो उसका क्या होता है, फ्रेम होता है, उसके अंदर उसका मटेरियल डाल के हम उसको प्रेस करते हैं तो वो गुजिया की शेप में आ जाती है. तो दैट्स इट इज कॉल्ड, ये क्या है आपका, ये मोल्डिंग टेक्निक है, यानी कि आप मटेरियल को एक शेप में डालिए वो उसी की शेप में आपकी बन जाएगी. तो मोल्डिंग के द्वारा बनाई जा सकती है, और दूसरा मेथड है कंप्रेशन के द्वारा. ठीक है, आप इसको कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके कंप्रेशन मशीन के द्वारा भी इसको बना सकते हैं. ठीक है, मोल्डिंग टेक्निक्स आपकी बहुत पहले यूज की जाती थी. ये जो मोल्डिंग टेक्निक्स के द्वारा आपकी टैबलेट बनती है ज्यादा स्टेबल नहीं होती, ज्यादा हार्ड नहीं होती, तो इसलिए इसको लीव कर दिया गया. अब आपकी बनती है कंप्रेशन के द्वारा. ठीक है, तो यहां पर आपने क्या सीखा कि टैबलेट आपकी एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है. ठीक है, इसके अंदर आपका एक्सिपिएंट और एपीआई होता है, और ये आपकी या तो मोल्डिंग के द्वारा या फिर कंप्रेशन के द्वारा बनाई जा सकती है. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आप अपने तरफ से भी बना सकते हो. ठीक है, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, आपकी कई बार पूछी जाती है टैबलेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया.
ठीक है, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछा गया तो कभी कभी ये इंटरव्यू में आपके डायरेक्ट पूछा जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझसे भी कई बार पूछी गई है कि डिफाइन टैबलेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो आईबी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन होती है, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स डिसिस। दैट मीन जो फार्मास्यूटिकल टैबलेट होती है वो आपकी सॉलिड होती है, फ्लैट होती है, इनका सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, या फिर बाई कॉन्वेक्स डिसिस हो सकती है, दैट मीन दोनों तरफ से आपके कॉन्वेक्स हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो बाई कॉन्वेक्स शेप में आपकी होती है। इसके बाद क्या लिखा है, यूनिट डोजेस फॉर्म। मैंने आपको बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, बिकॉज इट कंटेन सिंगल डोज। इसके बाद प्रिपेयर बाई कंप्रेसिंग ए ड्रग, एक ड्रग को कंप्रेस करके, या फिर ए मिक्सचर ऑफ ड्रग, एक से ज्यादा एपीआई भी आपके हो सकते हैं विद और विदाउट डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट आपका एक एक्सीपिएंट है जो कि क्या करता है, आपके टैबलेट में बल्क बढ़ाता है। कुछ टैबलेट्स आपकी ऐसी होती है, कुछ एपीआई आपके बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.25 mg, तो 0.25 mg की आपकी टैबलेट नहीं बनाई जा सकती, तो हम क्या करते हैं उसका वेट बढ़ा देते हैं किसी दूसरे कंपाउंड को डाल के। ठीक है, तो आपका डाइल्यूएंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपके डाइल्यूएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स डिसिस, यूनिट डोजेस फॉर्म, प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ए ड्रग और ए मिक्सचर ऑफ ड्रग विद और विदाउट डाइल्यूएंट। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंट आपके, कि जो आपकी टैबलेट्स होती है वो आपकी शेप में साइज में अलग अलग होती है, ठीक है, एंड वेट में। ठीक है, ये क्या होते हैं आपकी, अलग अलग होती है। आपने देखा होगा मार्केट में कोई गोल आपकी राउंड टैबलेट आती है, ठीक है, कोई आपकी ट्रायंगुलर आती है, कोई आपके क्यूबिक शेप में आती है, तो मतलब अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होता है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, और वेट भी अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कंपाउंड का जो आपका एपीआई है उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, अगर अमाउंट कम होगा एपीआई का तो टैबलेट छोटी बनेगी, उसकी शेप भी आपकी छोटी, उसका साइज भी छोटा होगा। ठीक है, और अगर आपके एपीआई का अमाउंट ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है टैबलेट आपकी बड़ी बनेगी। ठीक है, शेप आप अकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो, आप उसको राउंड शेप में, क्यूबिक शेप में कुछ भी दे सकते हो। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी डिफरेंट, या दे आर वेरी इन शेप एंड साइज एंड वेट एटसेट्रा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक और पॉइंट है आपका। ठीक है, पहला तो आपका क्या है कि अमाउंट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस की वजह से इसका डिफरेंट होता है। दूसरा है द इंटेंडेड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप जिस रूट से इसको लेना चाहते हैं, ठीक है, उस रूट पर भी डिपेंड करता है कि इसकी शेप कैसी होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एक टैबलेट का टाइप होता है आपका डेंटल कोन। ठीक है, जब टूथ में आपका डीके हो जाता है, टूथ कैविटी हो जाती है, मतलब वहां पर कोई कैविटी हो जाती है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, टैबलेट को फिल कर देते हैं। तो उस टैबलेट की शेप किस पर डिपेंड कर रही है, उस कैविटी की शेप पर डिपेंड कर रही है। मान लेते हैं आपकी कैविटी इस तरह की है तो टैबलेट आपकी डायरेक्टली फिट होगी, है ना, ये तो बात है ना। तो दैट मीन ये जो आपकी शेप है या साइज है, ये आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद इट इज मोस्ट पॉपुलर डोजेस फॉर्म, ये आपकी बहुत पॉपुलर डोजेस फॉर्म है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी ड्रग्स आपके अवेलेबल है उनका 70% आपका टैबलेट की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो 70% ऑफ द मेडिकमेंट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट इन द मार्केट। ठीक है, इसके बाद ऑल मेडिकमेंट्स आर अवेलेबल इन द टैबलेट। क्या होता है, आपके अधिकतर मेडिकमेंट, यानी कि जैसे कि मैंने बताया अभी, 70% मेडिकमेंट आपके टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, लेकिन बाकी क्यों नहीं आते। ठीक है, तो बाकी इसलिए नहीं आते क्योंकि वो टैबलेट बनने के योग्य नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते, उनका नेचर ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है आपका, बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट और एडमिनिस्टर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंपाउंड है वो आपका बहुत ही ज्यादा बिटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा कड़वा है, तो आप उसको टैबलेट की फॉर्म में नहीं बनाओगे। आगे चल के बहुत सारी कोटिंग टेक्निक्स हैं जिससे आप उसके बिटर टेस्ट को मास्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसकी च्यूएबल टैबलेट बनानी पड़ जाए तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद अगर आपका मेटेरियल बहुत ज्यादा एक्वस है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे, वो आपके पंच पर चिपक जाएगा। ठीक है, पंच मतलब जो उस पंच करता है, ठीक है, उस पर चिपक जाएगा।
तो दैट मीन बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अधिकतर मेडिकमेंट आपके टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, बट अप्रोक्सीमेटली लगभग आपके बहुत सारे मेडिकमेंट टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो दैट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द टैबलेट। आई थिंक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टैबलेट क्या है, आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज के बारे में, अब टैबलेट आपके बहुत पॉपुलर है तो उसके फायदे बहुत सारे होंगे। जैसे कि पहला फायदा यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी। ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं आपने 10 गोली का कोई स्ट्रिप लिया, पत्ता लिया, ठीक है, तो अगर 250 mg की पहले टैबलेट है तो 10 की 10 आपके 250 mg की होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक के अंदर आपका 500 mg है और दूसरे के अंदर आपका 250 mg है। तो दैट मीन यहाँ पर क्या होता है, डोज प्रिसीजन होता है, यानी कि डोज आपकी क्या होती है, सिमिलर होती है सभी के अंदर। इसके बाद लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी, जो कंटेंट में वेरिएशन होते हैं, मतलब किसी में कम किसी में ज्यादा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद लोवेस्ट कोट, आपको पता है, सॉरी लोवेस्ट कोस्ट, इसका खर्चा क्या होता है, मतलब बहुत सस्ती होती है आपकी टैबलेट्स एज कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म, ठीक है। अगर आप मार्केट में कोई टॉनिक या सस्पेंशन खरीदने जाते हो और उसी साल्ट का आप लोग टैबलेट लेते हो तो टैबलेट उस सस्पेंशन की अपेक्षा आपको सस्ती पड़ेगी, तो लोवेस्ट कोस्ट होती है। लाइटेस्ट एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है, बहुत ही लाइटेस्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि आप इसको इजीली केयर कर सकते हो, इजीली कैरी कर सकते हो। अगर आप किसी ट्रेवलिंग कर रहे हो, मतलब किसी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो आप इसको जेब में डाल लीजिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई चीज कैरी कर रखी है। अगर इसी की जगह पे आपके कोई सिरप होता, सस्पेंशन होता, उसकी बोतल आपको ले जानी पड़ती, उसको कैरी करना पड़ता, ठीक है, जो कि डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन टैबलेट को आप इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टू पैकेज, इसकी जो पैकिंग होती है बड़ी सिंपल होती है, टैबलेट बन गई, बनने के बाद स्ट्रिप पर लगाइए और स्ट्रिप को बंद कर दीजिए, बड़ा सिंपल मेथड होता है इसकी पैकेजिंग का, ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद सस्टेन्ड रिलीज ऑफ मेडिकमेंट इज पॉसिबल, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जो लॉन्ग टर्म आपकी डिजीज होती है, जैसे कि डायबिटीज, बहुत लंबे समय तक आपका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, बार बार आपको दवाई ना लेनी पड़े, डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि एक बार टैबलेट ले लीजिए, वो पूरे हफ्ते, पूरे महीने या पूरे साल तक अपने आपका अपना असर दिखाती रहेगी। कैसे, क्योंकि उसमें से जो मेडिकमेंट है आपका धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होगा एक्शन दिखाएगा, फिर रिलीज होगा फिर एक्शन दिखाएगा, तो दैट मीन सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म भी आपकी पॉसिबल है टैबलेट में। इसके बाद सूटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, अगर मान लेते हैं आप इंडस्ट्री में कभी जाते हैं विजिट करने, तो 1,00,000 बोतल बनाने में, सिर्फ की 1,00,000 बोतल बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 1,00,000 टैबलेट बनाने में आपको 1 से 2 घंटे में आपकी टैबलेट बन जाएगी, और बोतल बनाने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या होती है, सूटेबल होते हैं आपकी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जगह कम घेरती है ना। अगर आप इंडस्ट्री में देखते हो तो छोटे से बॉक्स में आपकी कई करोड़ टैबलेट आ सकती है, ठीक है, अगर उसी की जगह पे आप इंडस्ट्री में दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो, लिक्विड डिपार्टमेंट में, तो 1,00,000 बोतल आपकी कम से कम हजारों पेटियों में आएगी, है ना, हजार बॉक्सेस में आएगी, तो दैट मीन जगह ज्यादा घेरती है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, टैबलेट क्या है आपकी कम जगह घेरती है। इसके बाद बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ओडर कैन बी मास्क बाय यूजिंग कोटिंग टेक्निक्स। अगर कोई आपका कंपाउंड ऐसा है जिसका टेस्ट बिटर है या उसकी स्मेल बहुत बेकार है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, तो आप क्या कर सकते हो, कोटिंग टेक्निक की मदद से उसको मास्क कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ओवर ऑल अदर डोजेस फॉर्म। आपकी बाकी की जितनी भी डोजेस फॉर्म है ओरल रूट से जो दी जाती है, जैसे कि सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, उन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी टैबलेट की होती है, जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी सिरप को खुला छोड़ दोगे तो वो आपके विद इन डेज आपका खराब हो जाएगा। तो टैबलेट की केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, है ना। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारे रिएक्शंस इसमें जल्दी से नहीं होती, और माइक्रोबियल का मतलब है कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर जल्दी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन इज इजी, टैबलेट को पहचानना बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा भी होता है, आप उसको कलर से पहचान सकते हैं, शेप से पहचान सकते हैं, साइज से पहचान सकते हैं, एंड इवन उसके पास अपना मोनोग्राफ पंच्ड भी होता, मतलब उसके ऊपर जो होता है कभी कभी नाम भी लिखा होता है टैबलेट के ऊपर, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, बहुत इजी होती है।
इसके अलावा बहुत सारे और एडवांटेज हो सकते हैं, आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, आप बहुत सारे एडवांटेज बना सकते हो उसके, ठीक है। इसके बाद अगर बात करता हूं डिसएडवांटेज के बारे में, अब देखो टैबलेट है तो टैबलेट के बाद कैप्सूल भी मार्केट में आया है, सिरप पे आया है, सस्पेंशन पे आया है, उनके आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि टैबलेट में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तो दैट मीन डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके। जैसे कि सबसे पहला डिसएडवांटेज है, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं या ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं या कोई पेशेंट ऐसा है जो अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, तो आप उसको टैबलेट नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या है उसके गले में अटक सकती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ वगैरह हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ऐसे पेशेंट में आप लोग टैबलेट यूज नहीं कर सकते, तो दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ डोज फॉर्म। इसके बाद सम ड्रग्स रेजिस्ट कंप्रेशन, कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब उनको प्रेशर नहीं दिया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक्वस मटेरियल है ना, मैंने बताया कि आपको उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो आपके पंच के ऊपर चिपक सकता है, ठीक है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। कुछ कंपाउंड आपके ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है तो उनको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके आपस में उसके मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे, वो आपस में डिस्पर्स हो जाएंगे क्योंकि डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो लो डेंस प्रोडक्ट को भी, लो डेंस कंपाउंड को भी आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जिनकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है ना, आप उसको पानी में नहीं घोल पाओगे या आपके स्टमक में जाने के बाद वो डिजोल्व भी नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को भी आप लोग टैबलेट में नहीं बनाओगे, अगर बना भी देते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि वो आगे चलकर डिजोल्व भी नहीं होगी, आपकी डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो टैबलेट अपना अच्छे से असर नहीं दिखा पाएगी, ठीक है। तो जो कंपाउंड की पोअर वेटिंग होती है, ठीक है, जो कंपाउंड आपका पोअर वेटिंग का होता है और उसकी डिजोल्यूशन रेट क्या होती है, स्लो होती है, तो ऐसे कंपाउंड को आप टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपने देखा है होगा कि हम इसके बिटर टेस्ट को और अनप्लीजेंट ऑर्डर को मास्क कर सकते हैं कोटिंग की मदद से, ठीक है, लेकिन कोटिंग करने में खर्चा आता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अगर आप कंपेरिजन करते हो कैप्सूल का और टैबलेट का, आप कैप्सूल के अंदर उस मटेरियल को भर दीजिए, भले ही वो कड़वा है, उसका ऑर्डर बेकार है, लेकिन आपने उसको कैप्सूल के अंदर डाल दिया, आपको फील ही नहीं होगा कि वो कड़वा है या कैसा है। लेकिन अगर आप लोग उसको टैबलेट में ही बनाना चाहते हो तो आपको कोटिंग करनी पड़ेगी, अलग से मटेरियल यूज करना पड़ेगा, अलग से मैन पावर लगेगी, कॉस्ट लगेगी, तो मतलब टैबलेट आपकी महंगी पड़ जाती है एज कंपेयर टू कैप्सूल, ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके टैबलेट को अच्छा बनाती है, मतलब एक अच्छी टैबलेट के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिनमें से पहले आपकी है शुड हैव एलिगेंट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी सॉरी, तो आपके प्रोडक्ट के पास क्या होनी चाहिए, एक अपने खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि उसका शेप है, उसकी साइज है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किस तरह के साइंस है, तो दैट मीन उसके खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए ताकि उसको पेशेंट इजीली पहचान सके। इसके बाद शुड हैव सफिशियंट स्ट्रेंथ, मतलब आपके टैबलेट के पास अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। देखो टैबलेट के केस में क्या होता है, आप लोगों को हार्ड भी बनानी है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं बनानी कि आपके स्टमक में जाने के बाद वो टूटे ही ना, डिसइंटीग्रेट ही ना हो, तो आपको कम से कम इतनी हार्ड तो बनानी पड़ेगी कि जब तक आपके वो रैपर के अंदर है, जब तक आपके वो स्ट्रिप के अंदर है, पैकेजिंग के अंदर है, तब तक वो ना टूटे, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में अगर टैबलेट बन रही है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन को तो हम एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाया जाता है, और भारत की सड़कों का आपको पता है कि गड्ढे कितने सारे हैं, ठीक है, पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हो सकता है, आपकी टैबलेट टूट सकती है या हैंडलिंग के दौरान टूट सकती है, इधर से उधर रखने में टूट जाए, तो आपके टैबलेट इतने भी कमजोर ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान, हैंडलिंग के दौरान वो ब्रेक हो जाए, है ना, और इतने भी मजबूत ना हो कि वो स्टमक में जाने के बाद ही ना टूटे, तो दैट मीन उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सफिशियंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद शुड हैव सफिशियंट या शुड हैव बेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, ठीक है, तो आपका कंपाउंड के पास क्या होनी चाहिए, अच्छी केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टैबलेट उसके ऊपर लिखा है कि 2 साल में एक्सपायर होगी और वो 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। या आपके जो कंपाउंड है, मान लेते हैं आपने एपीआई यूज किया है और एक्सीपिएंट यूज किया है, तो दोनों की स्टेबिलिटी भी बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एपीआई आपका पहले एक्सपायर हो गया, एक्सीपिएंट आपका बाद में, एपीआई के एक्सपायर होते ही पूरी टैबलेट एक्सपायर हो जाती है, ठीक है,
तो आपके जो मिक्सचर है, आपके जो कंपोजिशन है, सबकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद फास्ट डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, आपके स्टमक में जाने के बाद जल्दी से टूट जाए और जल्दी से घुल जाए ताकि वो आराम से ब्लड में पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसी आपकी टैबलेट होनी चाहिए। इसके बाद दिखने में अच्छी होनी चाहिए, शुड बी प्लीजेंट इन अपीयरेंस, ठीक है। तो दिखने में भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो गाइस अभी तक हमने बात की है इंट्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट, की टैबलेट है क्या, टैबलेट की डेफिनेशन की बात की है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ और पॉइंट जाने, यहाँ पर हमने एडवांटेज की बात की है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, डिसएडवांटेज की बात की है नुकसान क्या क्या है, और कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज की बात की कि खास बातें क्या क्या होनी चाहिए टैबलेट में, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, कि आपके टैबलेट कितने टाइप्स की होती है।